आपको आप सुधारिएगा नहीं, लेकिन आपको एक रास्ता बता देते हैं। वोट जात वाले को देना है उसी को जाके दो, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों का भला होगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है सब लोग देश के लिए वोट दो, देश को मजबूत करना है इसलिए वोट दो। कोई आकर कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कहेगा मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए सब लोग वोट दो। कोई कहता है कि हमने मंदिर बना दिया इसलिए वोट दो। कोई कहेगा लालू को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कह रहा है कि मोदी नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार हमारी बात मानिए, वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। लोग कहता है भैया इससे क्या होगा, बच्चा को का चेहरा देखकर वोट देने से क्या होगा। हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के राजा बन गए। एक बार हमारा बात मानिए, ये नेता लोग को छोड़िए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये आपके वोट की ताकत है, लेकिन अपना वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, तबे जान बचेगा। हमको वोट चाहिए नहीं, पैसा रुपया चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। आपके यहाँ गांव में आए हैं तो अपना चाय भी साथ में टेंट तंबू लेकर आए हैं, आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपका दुआ। ये कठिन काम है, आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 17 महीना से पैदल चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से, और गांव गांव में आप जैसे लोग जो जुटकर आशीर्वाद देते हैं उसकी आशीर्वाद की दुआ की ताकत से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद और दुआ दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर जोर से बोलना हाँ चाहे ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इतना देर से आप बैठे, आपको कुछ हम नहीं दिए, अब एक बढ़िया बात मीठा बात बता के घरे आपको भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा रुपया शक्ति बुद्धि दिया है वो तो सब लगा के, लोग कहता है हम जिसको चाहेंगे वही राजा बन जाएगा, तो सब लगा के जो हम व्यवस्था बनाए हैं, जो योजना बनाए हैं, इस बार 2 बरस में बिहार के गांव गांव जाकर लोगों को समझा के, जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव गांव को मथ के ऐसे लोगों को निकालेंगे जो आपके आशीर्वाद से तल सरकार बनाए, जनता का राज यहां बनाए। और इसका पहला संकल्प क्या है? पहला संकल्प है जन सुराज का, इसको याद रखिए। साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका घर का सामान गया है बाहर मजदूरी नौकरी करने, और जो बाल बच्चा आप सब बेरोजगार यहाँ जो बैठा है, सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको गांव में देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग बताइए भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोजगार मिला तो सब
परेशानी खत्म। तो अब चौथा सवाल का बारी है। घर जाने से पहले सबको जवाब देना है। सारा भाषण सुन लिए, कहानी सुन लिए, अब सोच के बताइए आपका वोट आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए। सबको बोलना है 5 किलो अनाज की रोजगार। इतना हम चिकर रहे हैं आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, रोजगार की अनाज। अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए। जोर से बोलिए पढ़ाई की जात। पीछे के आदमी से भी पूछ रहे हैं पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए। जब तक नहीं बोलिएगा यहीं बैठाए रखेंगे। जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलो भैया, अब मोदी जी का चाहिए तो मोदी बोलिए। फिर से पूछ रहे हैं लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। आज जितना आदमी नहीं बोल रहा है सब जाके हम लोग के पीछ में छुरा घोपेगा। अभी फिर से मौका दे रहे हैं, बोलना है मोदी मोदी बोल दो, फिर पीठ में छुरा मत घोपना है भाई। अपने बच्चों के पीठ में छुरा मत घोपिएगा। फिर से पूछ रहे हैं अभी बताइए लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो जनता के राज का एक के सूत्र है, कितनों नेता भाषण दे दे, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगा दीजिए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अब पीछे का आदमी सब बोलेगा जय उड़ीसा। बिहार के नाम बम्बू नहीं खुला, इसीलिए ना बिहारी कह के गाली देता हम लोग को। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब मुंह खोलेगा, अन्य तो कुर्सी में बैठ के धूप सेक रहा है। अरे कैसे सुधरेगा? ये सुधरेगा तब जब आप अपने बच्चों के लिए खड़ा होइएगा। और घबराइए नहीं, आपने अपने इस भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है, 2 बरस में वो व्यवस्था बनाकर आपको देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को रोजी रोजगार के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब अंतिम एक बार जय जयकार लगाइए इस जमीन के लिए, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।